अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स और सेवन ये है स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स तो स्क्वायर हमें निकलम से करने तो निकलम से स्क्वायर करने का फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला एक बेस से होता है और एक सब बेस से होता है तो जो बेस से फॉर्मूला है स्क्वायर करने का वो है नंबर प्लस डिवेसन और डिवेशन का स्क्वायर और जो सब बेस से है स्क्र का फॉर्मूला सेम ही है बस इसके अंदर थोड़ा ऐड हो जाएगा नंबर प्लस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे सब बेस डिजिट से तो फॉर्मूला बन जाएगा सब बेस डिजिट नंबर प्लस डिवीजन पब्लिक डिवीजन का स्क्वायर तो जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये दोनों बेस से हैं और जो सिक्स और सेवन है वो है सब बेस से क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन वन हंड्रेड थ्री और नाइन्टी फाइव ये हंड्रेड के क्लोज नंबर है और सिक्स और सेवन ये बेस के क्लोज नंबर नहीं है तो इसमें अपने को सब बेस लेना पड़ेगा क्योंकि बेस अपन टेन 10, हंड्रेड या थाउजेंट लिया जाता है बाकी जब टेन थाउजेंट या हंड्रेड के क्लोज नंबर ना करके उनका मल्टीप्लाई क्या कोई नंबर होता है तो उसके अंदर हम सब बेस लिया जाते हैं तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वन हंड्रेड थ्री और फिफ्थ है नाइन्टी फाइव तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ में है वन हंड्रेड थ्री तो जैसे निखिलम से अपन ने डिवाइड किया था उसी तरह इस वन हंड्रेड थ्री का हम जब स्क्वेयर करेंगे तो इसके लिए भी हमें बेस की जरूरत पड़ेगी तो वन हंड्रेड थ्री वो हंड्रेड के क्लोज है तो इसमें बेस है वो हंड्रेड उसके बाद में ये हंड्रेड और 103 के बीच में जो केप थ्री का है तो इसमें जो डिवेसन है वो थ्री तो निखिलम से जब मल्टीप्लाई करते हैं या निकिलम से जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें जो डिवेसन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं जब पॉजिटिव का आता है कि जब जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें जो डिजिट दे रखा है वो बेस से ग्रेटर देन हो तब पॉजिटिव और जब बेस से वो लेस देन हो तो नेगेटिव तो एवन हंड्रेड थ्री है वो इस बेस से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे डिशन है वो थ्री है वो पॉजिटिव आया है। अगर ये नाइन्टी से होता तो ये नेगेटिव आता अब इसके लिए बेस वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर प्लस डिवेशन ओब्लिक डिवेजन का स्क्वेर तो सबसे पहले नंबर नंबर कौन सा वन हंड्रेड थ्री है तो वन हंड्रेड थ्री का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर प्लस डिवेशन है वो ज़ीरो थ्री ओब्लिक और इस ज़ीरो थ्री का स्क्वायर अब इसमें ये जीरो थ्री करेंगे तो ये आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्स ओब्लिक इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नाइन आता है लेकिन यहाँ पे जब इस राइट साइड से जब अपन डिजिट नीचे उतारना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हर कॉलम में टू डिजिट होना चाहिए क्योंकि बेस में अपने पास हंड्रेड में नंबर ऑफ जीरो पे टू डिजिट बनाने के लिए ये नाइन है तो इसको अपन जीरो नाइन लिख दे अगर बेस यहाँ पे थाउजेंट होता तो इसको जीरो जीरो नाइन लिखते अगर बेस टेन होता तो ये नाइन एक डिजिट का नंबर सही था अब यहाँ पे जब बेस आपका हंड्रेड होता है तो दो दो डिजिट नीचे उतारे जाते हैं अब बेस हंड्रेड है तो जीरो नाइन टू डिजिट है तो जीरो नाइन को एज इट इज नीचे उतार देंगे जीरो नाइन अब यहाँ पे सिर्फ ये दो ही डिजिट थे अब अगर कोई थर्ड डिजिट और होता तो आगे इसको कैरी देता अब सिर्फ ये टू डिजिट थे तो इन दोनों को नीचे उतार लिए अब आगे इसको कोई कैरी नहीं देगा तो ये वन जीरो सिक्स एज इट इज तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन है नाइन्टी फाइव का स्क्वेयर करना तो नाइन्टी फाइव हंड्रेड के क्लोज है तो इसके लिए बेस तो हंड्रेड लिया जाएगा लेकिन जो डिवेशन है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बेस से लेस देन है तो ये जीरो फाइव आएगा लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो इसको अपन माइनस का लिख देंगे जीरो अब इसका जो फॉर्मूला है नंबर प्लस डिवेशन ऑबलिशन का स्क्वेयर फॉर्मूला यहाँ लिखने के बाद अब नाइन्टी फाइव का स्क्वेयर तो नाइनटी फाइव का स्क्वेयर में नंबर नाइनटी फाइव प्लस जो डिवेशन है वो है माइनस का जीरो फाइव ओब्लिक माइनस का ये जीरो फाइव इसका स्क्यर अब ये नाइन्टी फाइव में से सब्ट्रैक्ट होगा फाइव तो नाइन्टी फाइव में से फाइव सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बचेगा नाइनटी ओब्लिक फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव होता है लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो भी अगर अपने यहाँ पावर इवन नंबर में हो तो आंसर पॉजिटिव आता है तो फाइव का स्क्यर ट्वेंटी फाइव अब बेस के अंदर नंबर ऑफ जो जीरोज है वो टू डिजिट में थे तो यहाँ पे जो ट्वेंटी फाइव है वो टू डिजिट है तो एज इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे ट्वेंटी फाइव ये इसको आगे कोई कैरी नहीं देगा तो कैरी नहीं देगा तो ये एज इट इज नाइन्टी का नाइन्टी रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन नाइन्टी फाइव का स्क्यर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू हंड्रेड फोर को स्केयर करना तो टू हंड्रेड फोर है इसके अंदर सबे से लेना पड़ेगा क्योंकि हंड्रेड का मल्टीपल है तो टू हंड्रेड फोर का जो स्क्यर है उसके अंदर टू हंड्रेड फोर का जो स्क्वेयर है उसके लिए फॉर्मूला सब बेस डिजिट नंबर प्लस डिवेशन और डिवेशन का स्क्वेयर तो यहाँ टू हंड्रेड फोर के अंदर बेस है वो तो हंड्रेड लिया जाएगा क्योंकि हंड्रेड का मल्टीपल है तो बेस हंड्रेड अब यहाँ टू हंड्रेड फोर के अंदर जब ये बेस के पास का नहीं है नंबर तो जब बेस का लेना है तो यहाँ सब बेस एक तो सब लिया जाएगा तो बेस का मल्टीपल हंड्रेड को टू हंड्रेड के पास पहुंचने के लिए तो ये हो गया टू हंड्रेड अब सबेस सब टू हंड्रेड है तो सब बेस डिजिट तो हंड्रेड का मल्टीप्लाई टू हंड्रेड बनाने के लिए टू से किया है तो यहां सब बेस डिजिट हो गया टू अदरवाइज आप बेस में बेस का डिवाइड करके 200 अपॉन 100 टू आ गया सब बेस्ट डिजिट अब इस फॉर्मूले के अंदर 204 का स्क्वेयर इज इक्वल टू सब बेस्ट डिजिट तो सब बेस्ट डिजिट है यहाँ पे टू ब्रैकेट में नंबर प्लस डिवीजन तो नंबर है 204 प्लस डिवीजन तो यहाँ जब हम डिवीजन निकालते हैं तो डिवीजन का जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो टू को टू हंड्रेड में से माइनस करें तो इससे ग्रेटर देना तो डिवेशन आएगा पॉजिटिव फोर तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड फोर प्लस जो डिवेशन है वो जीरो फोर पब्लिक डिवेशन का स्क्वेयर तो जीरो फोर का स्क्वेयर अब सबसे पहले ऐड करेंगे तो टू हंड्रेड एट मल्टीप्लाई टू और फोर का स्क्वेयर हो गया सिक्सटीन टू हंड्रेड एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया पब्लिक सिक्सटीन जब बेस हंड्रेड है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट है वो जीरो टू है तो यहाँ पर भी अपने पास टू डिजिट है सिक्सटीन तो इसको एज नीचे उतार लेंगे सिक्सटीन ये इसको कोई के नहीं देगा आगे तो कैर नहीं देगा तो फोर हंड्रेड सिक्सटीन का है। तो इसका आंसर आ जाएगा टू हंड्रेड फोर का स्क्वायर अब जो सेवंथ क्वेश्चन है वो है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर करना तो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये हंड्रेड का मल्टीपल है तो इसमें भी अपने को सब्बीस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो इसमें बेस, 100, सब बेस 200, और सब बेस जो डिजिट है वो टू हंड्रेड को हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो टू और जो डिवेशन है वो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और छब्बीस का जो डिफरेंस है वो ट्वेंटी फाइव का है तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि सब्बे से ये हंड्रेड ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव अगर यहाँ 175 होता तो नेगेटिव आता अब अगेन वही डिजिट नंबर प्लस डिवेशन ऑब्लिक डिवेशन का स्क्वायर। तो यहां जो सब बेस डिजिट है वो सब बेस डिजिट है टू ब्रैकेट में नंबर है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस डिवीजन है वो ट्वेंटी फाइव और डिवेशन का स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर। अब टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव एड करेंगे तो ये आ गया टू हंड्रेड फिफ्टी का मल्टीप्लाई करेंगे टू से पब्लिक ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर होता है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो ये आ गया फाइव हंड्रेड पब्लिक सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब यहाँ बेस अपने पास हंड्रेड है तो यहाँ से ओनली टू डिजिट है उसको नीचे उतारना है अपने बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उसको नेक्स्ट डिजिट में कैरी के रोम में ऐड करेंगे तो ये सिक्स है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सिक्स को एड करेंगे इसमें तो फाइव हंड्रेड सिक्स तो फाइव हंड्रेड सिक्स को लास्ट में एज इट इज नीचे उतार देंगे तो इसका आंसर आ गया